सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने थंबनेल पे आप लोगों को बताया है कि आज का वीडियो BSNL के रिचार्ज से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि अब दिल्ली में तो सिम मिल नहीं रही थी, जैसे दिल्ली और मुंबई हो गया, मेट्रो सिटी हो गया, तो वहाँ तो सिम मिल नहीं रही थी, तो लोगों ने लिए अनदर स्टेट से। अब उनका जो प्लान है FRC वाला, फर्स्ट रिचार्ज वाला, वो ख़त्म हो गया। अब उनको करना है रिचार्ज। अब रिचार्ज में आ रही है दिक्कत कि हमें सर्कल कौन सा सेलेक्ट करना है, हमें कौन से सर्कल का। मान लीजिए सिम तो मैंने ले लिया नोएडा से, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब सर्कल कौन सा सेलेक्ट करें। कई लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए थे, तो पूछ रहे थे ईस्ट करें, वेस्ट करें, नॉर्थ करें, कौन सा करें सर्कल जो है सेलेक्ट। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा, जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे दिए हुए ब्लैक बटन को दबा करके, पहले लाल आता था, ब्लैक बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर रहे हैं, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और लेकर के आता रहूं। सो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, और इसका प्रॉब्लम जो आ रही है सर्कल का, वो कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में हम आ गए हैं, और सबसे पहले क्या करना है, जो सर्कल का दिक्कत आ रहा है कि BSNL में सर्कल हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए दोस्तों हमें जो है कोई भी एक UPI एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ फ़ोनपे। फ़ोनपे ओपन करने के बाद दोस्तों ये लॉक होता है, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है फ़ोनपे का। अब क्या करना है, तो हमें चलना है मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन में। ये दिखेगा यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको, सर्च बाय नंबर और नेम, जिस भी नंबर को करना है। सपोज़ दैट मैं अपने ही नंबर को करता हूँ, जैसे मेरे को अपने नंबर का पता करना है, तो ये मैंने अपना नंबर सेलेक्ट किया, ये आ गया मेरा यहाँ पर लिखा हुआ माई जियो नंबर, ठीक है। इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है पहले जियो का था, अब पहले जियो का था तो माई जियो नंबर मेरा नंबर आ गया, दिल्ली NCR यहाँ पर दिखा रहा है, ये दिल्ली NCR आ रहा है। तो दोस्तों दिल्ली NCR जो है, अगर आप करेंगे इसको कंटिन्यू तो ये नहीं होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल प्लान आ रहे हैं यहाँ पर, तो मान लो कि मैंने कोई प्लान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसे कि मान लो ये अभी 349 का कर लिया। तो अब यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक मांग रहा है, इसको पता चल गया होगा कि ये अब जियो में नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले BSNL प्रीपेड सेलेक्ट करना है। अब देखो सेलेक्ट योर सर्कल। अब मान लो कई लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली NCR मैंने किया, तो अब देखो यहाँ पर दिखा दिया इनकरेक्ट ऑपरेटर सर्कल, आ गया ना ये। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, फाइंड माई ऑपरेटर एंड सर्कल और सेलेक्ट ऑपरेटर एंड सर्कल, तो हमें फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका दिखा देगा, देखो यहाँ पर करेक्ट ऑपरेटर ये है आपका BSNL प्रीपेड, और सर्कल है आपका उत्तर प्रदेश वेस्ट एंड उत्तराखंड, इस तरह का आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही डन कर देंगे तो अब आपके सामने पेज ओपन हो जाएंगे सारे प्लान के। अब आप प्लान सेलेक्ट करो अपना। अब देखो यहाँ पर सारे BSNL के प्लान आ जाएंगे जो भी हैं। अभी हाल ही में मैंने अभी अपने फैमिली का ये वाला प्लान किया है 347 वाला, तो 347 में आपको मिलेगा 2 GB पर डे, और यहाँ पे वैलिडिटी इसकी जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 54 दिन के लिए, 100 SMS यहाँ पर मिलेंगे आपको पर डे, 2 GB पर डे 54 दिन के लिए मिलेगा दोस्तों, अनलिमिटेड कॉल्स किसी भी नेटवर्क पर। तो आपको समझ में आ गया कि किस, ये जो दिक्कत आ रही है सर्कल सेलेक्ट करने का, ये किस तरह से करना है, इसका सॉल्यूशन ये है, ऑटोमेटिक यहाँ से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको दोस्तों BSNL का जो सेल्फ केयर ऐप है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो है ये UPI ऐप वाले ₹2 या ₹3 सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे, जो रिचार्ज प्लान है 347 का, तो हो सकता है आपसे 350 चार्ज करेंगे। तो अगर वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। सो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।